का विद्यार्थी यहाँ पे जो है आपको भारत के राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके विषय में इस नक्शे में बताया गया है। अब हम इसमें आगे जानेंगे। प्रदेशवाद, भारत विविधता में एकता वाला देश है जिसमें विविध भाषा बोलने वाले, विविध धर्म, विविध जाति और संस्कृति वाले लोग रहते हैं। देश में निहित विविधता शायद ही किसी देश में देखने को मिलती होंगी। किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से लोग रहते हो तब उसमें अपनत्व की भावना जागती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। इसमें विविध भाषा बोलने वाले लोग, विविध धर्म के लोग, विविध जाति संस्कृति वाले लोग रहते हैं। इसकी वजह से हमारी भारतीय संस्कृति जो है वह रंग बिरंगी संस्कृति है और देश में शायद ही किसी और देश में इस प्रकार की विविधताएँ देखने को मिलती होगी। तो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे उन लोगों में उस देश के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति जो है अपनत्व की भावना जागती है। भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, ऐतिहासिक परंपरा आदि एक दूसरे के साथ साम्य रखने के कारण एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनता है। सांस्कृतिक विकास किसी एक जाति अथवा लोगों के सामूहिक प्रयत्नों और सिद्धियों का सामूहिक परिणाम होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भाषा, धर्म, रीति रिवाज, जीवन शैली, ऐतिहासिक परंपराएं आदि एक दूसरे के साथ जो है साम्य रखने के कारण एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने जो है आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम अधिक मजबूत बनता है। सांस्कृतिक विकास एक जाति अथवा लोगों को सामूहिक प्रयत्नों और सिद्धियों का सामूहिक परिणाम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि सभी लोग जो है एक जगह पर जो है रहते हैं उन सभी के रीति रिवाज, जीवन शैली वगैरह जो है एक दूसरे से साम्य होने के कारण जो है सभी लोग एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है कि सांस्कृतिक विकास जो है हमारे देश का सांस्कृतिक विकास है वह सभी लोगों के सामूहिक प्रयत्न और सिद्धियों का एक सामूहिक परिणाम है। वह हमें बताता है कि हमारा देश जो है वह सांस्कृतिक रूप से विकासशील देश है। प्रदेशवाद को प्रोत्साहन देना या उसका बड़ा प्रभाव बढ़ने के लिए अमुक नेता, अगुआ या कुछ उपद्रवी तत्व लोगों की भावनाओं को बहकाने का कार्य करते हैं। इस तरह से प्रदेशवाद की वृत्तियों को जगाने वाले और उसे उत्तेजित करने वाला तथा बहकाने वाले तत्व देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्धि करने की प्रेरणा देना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्रदेशवाद जो है उसको प्रोत्साहन देना या उसका प्रभाव बढ़ने के लिए जो है कुछ नेता या फिर कुछ उपद्रवी तत्व जो है उन लोगों की भावनाओं को बहकाने का भी कार्य करते हैं। इस तरह से प्रदेशवाद की वृत्तियों को जगाने वाला और उसे उत्तेजित करने वाला तथा बहकाने वाले जो तत्व है वे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक होते हैं। तो व्यक्ति को विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, उसे सिद्ध करने की प्रेरणा देना आवश्यक है। अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता ऐसी भावना से प्रदेश का विकास सर्वांगी नहीं हो सकता। साथ ही यदि वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिष्टता को आमंत्रित करता है। अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। समग्र देश के हित का ध्यान रखना चाहिए। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश की अपेक्षा राष्ट्र का स्थान ऊँचा रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से हमें जो है अन्य व्यक्ति प्रदेशवाद को भड़का कर या उसे बहकाने देने वाले लोगों के द्वारा जो है अन्य व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और इस भावना से जो है प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और साथ ही साथ यदि वह अगर वह प्रदेशवाद की भावना जो है वह उग्र स्वरूप धारण करे तो वह अनिष्टता को आमंत्रित करता है, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र जो है पूरे संपूर्ण राष्ट्र को यहाँ पे जो है नुकसान होता है। तो अपने प्रदेश और राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाला कार्य करना चाहिए नहीं। समग्र देश के हित का ध्यान रखना चाहिए और यदि हमारा देश स्वतंत्र है तो हमारी स्वतंत्रता के बाद जो है प्रदेश की नहीं परंतु राष्ट्र का स्थान जो है वह ऊंचा रहना चाहिए। भारतीय समाज में विदेशी लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रकार का समन्वयकरण हुआ, परंतु साथ साथ वे सभी लोग जिन जिन प्रदेशों में बसे और स्थायी निवास करने से वहाँ की भूमि के लिए एक प्रकार का
लगाव और प्रेम भाव पैदा हुआ, जिसे प्रदेशवाद की भावना कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय समाज में जो है विदेशी लोगों और उनके सांस्कृतिक मूल्यों का एकीकरण, एक प्रकार का समन्वयकरण हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि विदेश से भी कई अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा के लोग आकर भारत में रहे, और हमारे भारत में जो है सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो इस तरह से जो है विदेशी लोग आकर रहे और उनके जो सांस्कृतिक मूल्य थे, एक प्रकार का समन्वयकरण सभी लोगों के बीच में हुआ। परंतु साथ साथ वे सभी लोग जिन जिन प्रदेशों में बसे स्थायी रूप से निवास करने लगे, उन्हें वहाँ की भूमि के लिए जो है एक अलग प्रकार का लगाव और प्रेम भाव पैदा हुआ, जिसे कि हम प्रदेशवाद की भावना कहते हैं। ऐसा प्रेम या भावना का होना लंबी अवधि की प्रक्रिया का परिणाम था। समय बीतने पर प्रदेशवाद की भावना में संकुचितता पैदा होने लगी। प्रादेशिकता के उदय और विकास के लिए भाषा, जाति और धर्म, इन तत्वों को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ऐसा प्रेम जो है प्रदेशवाद का या भावना, वो एक लंबे समय तक वहाँ पर रहने वाले लोगों के प्रक्रिया का परिणाम है, और समय बीतने पर प्रदेशवाद की जो भावना है उसमें संकुचितता पैदा होने लगी, और प्रादेशिकता के उदय और विकास के लिए जो है भाषा, जाति और धर्म, इन तीनों तत्वों का जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पे हमने प्रदेशवाद के बारे में जाना, आगे हम भाषा के विषय में जानेंगे। भाषावाद ने प्रादेशिक को प्रोत्साहन दिया। उत्तर भारत में हिंदी भाषा और दक्षिण भारत में शे हिंदी भाषी से प्रदेशवाद की मांग तीव्र हुई। भारत में प्रदेशवाद की उग्रता तो देश में भाषावार राज्यों की पुनर्रचना करने के लिए बने आयोग की स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सिफारिशों के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने के बाद के समय में देखा गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भाषावाद जो है उसने यहाँ पे प्रादेशिकता को प्रोत्साहन दिया, कि जहाँ पर जिस भाषा के लोग रहते हैं वहाँ पे उस प्रदेश को जो है प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो उत्तर भारत में जो है हिंदी भाषा और दक्षिण भारत में शे हिंदी भाषी से प्रदेशवाद की जो है तीव्र गति से मांग हुई, और भाषा में प्रदेशवाद की उग्रता तो देश भर में जो है भाषावार राज्यों की पुनर्रचना के लिए आयोग की गई, जिसमें कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सिफारिश के अनुसार जो है कुछ परिवर्तन के साथ निर्मित कानून और उसका अमल कराने का जो है बाद में समय में देखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि भाषावाद ने जो है प्रादेशिकता को प्रोत्साहन किया। धर्म और जाति, तो अब यहाँ पे हमें जो है धर्म और जाति के विषय में बताया गया है। भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ राज्यों में किसी एक ही कौम के बहुसंख्यक लोग अपना धर्म पालन करके रहते हैं। उदाहरण स्वरूप नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि के रीति रिवाज, जीवन शैली, व्यवसाय में विविधता रही है। आसाम में बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए उग्र आंदोलन चला रहे हैं। वहाँ उल्फा उग्रवादी भी सक्रिय है। प्रदेशवाद के कारण पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है विविध धर्मों के लोग रहते हैं। तो कुछ राज्यों में जो है किसी एक ही कौम के अधिक से अधिक लोग रहते हैं और वे अपने धर्म का पालन करते हैं, जिसमें कि उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल आदि प्रदेश जो है इनके रीति रिवाज, जीवन शैली, व्यवसाय में जो है विविधता रही हुई है। और यहाँ पर जो है एक ही धर्म के बहुसंख्यक लोग रहते हैं और वे अपने धर्म का पालन करते हैं। और आसाम में जो है बोडो जाति के लोग अपने अलग प्रदेश के लिए आंदोलन चला रहे हैं, और वहाँ उल्फा उग्रवादी भी सक्रिय है। तो प्रदेशवाद के कारण जो पंजाब और हरियाणा एक था उसका भी विभाजन हुआ। इस तरह बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड जैसे तीन राज्यों की रचना हुई, जैसे छोटे राज्यों की रचना हुई है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र में से अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग हो रही है। इस तरह से एक ही प्रदेश में बहुमत वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करें, अपने प्रदेश का विकास करें और लाभ प्राप्ति के लिए आंदोलन करें, तो वह देश हित में नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसी तरह से जो है बिहार में से झारखंड अलग हुआ, उसके बाद में मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड, तो इस तरह से जो है छोटे छोटे राज्यों की रचना हुई।
और वर्तमान समय में जो है अभी महाराष्ट्र में से विदर्भ राज्य अलग करने के लिए जो है मांग हो रही है। तो इस तरह से एक ही प्रदेश में बहुमत वाले और एक ही भाषा बोलने वाले लोग जो है अपने अलग राज्य की मांग करें, अपने प्रदेश का विकास करें और लाभ प्राप्ति के लिए आंदोलन करें, तो वह देश के लिए जो है कदापि हित में नहीं होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे करना नहीं है। भारत के संविधान में भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों की पुनर्रचना के समय प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र देश की राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के संविधान में जो है भारत को सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है और राज्यों की पुनर्रचना के समय में जो है प्रादेशिक भावना की अपेक्षा समग्र हमारे देश के राष्ट्रीय एकता का विचार करके निर्णय लेना चाहिए।